हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास एक सोनी 40 इंची एलईडी टीवी है। आइए हम आपको इसका मॉडल दिखाते हैं। इसका मॉडल नंबर है KLV40EX430। इस टीवी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर रेड लाइट आप देख रहे हैं। अब हम टीवी को ऑन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर ग्रीन लाइट आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनी भी आ गया है, लेकिन अब सोनी जो है वो चला गया है और यहाँ पर जो ये रेड लाइट है वो आप देख सकते हैं, ये 5 टाइम ब्लिंक कर रही है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, अब कुछ समय बाद ये फिर से 5 टाइम ब्लिंक होगा। तो सोनी टीवी में अगर 5 टाइम ब्लिंक अगर इंडिकेटर दे रहा है तो अधिकतर जो फॉल्ट होता है वो पैनल सेक्शन में होता है। तो आइए आज हम इसी फॉल्ट को ठीक करते हुए इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये फॉल्ट पैनल साइड का है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका जो ये LVDS केबल है, इस केबल को हम निकाल कर एक बार देखेंगे कि इसमें कोई कार्बन तो नहीं है। तो हमने जैसा कि देखा, इस केबल में कोई कार्बन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए यहाँ पर हम इस इरेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे से इसे क्लीन करना पड़ता है। LVDS केबल को हमने लगा दिया है और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि ये फॉल्ट हमारा ठीक हुआ है या नहीं, और अगर इससे भी नहीं होता तो हम इसमें आगे की चेकिंग करेंगे। ये रेड लाइट ऑन हो गई है। ये ग्रीन लाइट आ गई है, ये आप देख सकते हैं सोनी यहाँ पर आ गया है, लेकिन फॉल्ट अभी हमारा बिल्कुल वही है। 1, 2, 3, 4, 5। तो आइए अब हम आगे चेक करेंगे। अब हम ये सेलो टेप LVDS केबल पर लगाएंगे सावधानी से।
जिससे क्या होगा कि LVDS केबल की जो मोटाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारा LVDS कनेक्टर का लॉक है वो इसे अच्छे से टाइट करेगा। कई बार हमने देखा है इस तरीके का फॉल्ट, तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर ये आइडिया आजमा रहे हैं। तो देखते हैं इस आइडिया से हमारा काम होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं होगा तो आगे भी हम आपको बताएंगे चेक करके। तो ये फॉल्ट हो जाता है ठीक, लेकिन हमें कोई भी फॉल्ट को रिपेयर करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डायरेक्ट ही आईसी पर पहुंच जाएं और उसको चेकिंग करें या कुछ भी उसके साथ रिपेयर करें। तो देखिए टेप मैंने यहाँ लगा दी है, और अब मैं LVDS केबल को लगा देता हूँ LVDS कनेक्टर में। ये देखिए, और अब ये जो लॉक है पहले से टाइट अब लग रहा है, और अब ये देखिए अब ये टाइट हो चुका है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये लगा दी हमने, और अब हम टीवी को करेंगे। ये ग्रीन लाइट यहाँ पे आ गई है, ये सोनी यहाँ पे आ गया है, ये देखिए। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नो सिग्नल आप देख पा रहे होंगे। तो LVDS लूज होने की वजह से ये फॉल्ट हमें इस टीवी के अंदर मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही LVDS केबल पे कार्बन आने से या LVDS केबल लूज होने से हमें ये फॉल्ट मिलता है। इस फॉल्ट के अंदर कई बार मेन बोर्ड में भी दिक्कत होती है, कई बार पैनल के अंदर भी कोई आईसी खराब होती है ठीक है। तो इसीलिए अगर आप के भी टीवी में अगर इस तरह का फॉल्ट आ रहा है, तो आप भी अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो किसी टेक्नीशियन से ही अपना टीवी को चेक करवाइए ठीक है। और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप सबसे पहले ये जो फार्मूला है ये ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है, और यहाँ पर मोबाइल और LED टीवी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, और आप भी अगर इस तरीके की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी सुविधा है। तो दोस्तों आगे भी हमारी इसी तरह वीडियोज़ आती रहेंगी, और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपको पता चल सके हमने नया वीडियो जो है अपलोड किया है नई जानकारी के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों इजाज़त चाहेंगे और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।